हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका। हम लोग एक सीरीज में अभी हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं एंड अन्य भाषा के बारे में हम लोग आज फिर से सीखने वाले हैं। ये थर्ड पार्ट है मेरा अन्य भाषा के ऊपर। मैं साफ तरीके से, साफ रीति से बता देना चाहता हूँ, ये मेरा बाइबल स्टडी है और ये मेरे पर्सनल लर्निंग्स हैं। ये मैं प्रभु में, मेरे निजी जिंदगी में जो प्रभु ने मुझे सिखाया है उनमें से मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को प्रभु और भी चीज़ें बता रहा है तो ऐसा नहीं है कि मेरा, मैंने जो भी अभी बोला है उतना ही है। प्रभु और भी चीज़ें इसमें से आप लोगों को बता सकते हैं और सिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे अंडरस्टैंडिंग्स है, ये मेरी समझ के लिए प्रभु ने जिस तरह से मुझे रिवील किया है मैं वैसे ही आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम थर्ड पार्ट में हम लोग जाने वाले हैं, वो है इम्पैक्ट और फंक्शनैलिटीज ऑफ टंग्स। अन्य भाषा में बात करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो किस तरह से हमारे जिंदगी पर लागू होते हैं और क्या कार्य करते हैं हमारे जिंदगी पे, ठीक है। सो कुछ वर्सेस हम लोग उसके ऊपर पढ़ेंगे। पहला वर्स मैं ये पढ़ूंगा, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 एंड उसका वर्स 2 जो लिखा है, फॉर वन हु स्पीक्स इन टंग स्पीक्स नॉट टू मेन बट टू गॉड, फॉर नो वन अंडरस्टैंड्स हिम बट ही अटर्स मिस्ट्रीज इन द स्पिरिट। उसको कोई नहीं समझता, सिर्फ प्रभु समझता है एंड वो आत्मा में मिस्ट्रीज, रहस्यमय चीजों को वो बोलता है, ठीक है। ये पहला वर्स। सेकेंड वर्स हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, ठीक है। मैं बीच में से पढ़ रहा हूं, वर्स अलग से चालू हो रहा है। हम कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें हम लोग यहां से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, फॉर वी डू नॉट नो व्हाट टू प्रे फॉर एज वी ऑट, बट द स्पिरिट हिमसेल्फ इंटरसीड्स फॉर अस विद ग्रोनिंग्स टू डीप फॉर वर्ड्स, ठीक है। यहां पे बहुत साफ रीति से लिखा गया कि हमें शायद ठीक से पता भी नहीं है कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, करेक्ट। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग शब्दों को इस्तेमाल करके प्रार्थना बंद कर दें, नहीं, जरूर उसमें हमें प्रार्थना करना ही है, पर अन्य भाषा का जरूरत काफी ज्यादा है हमारे शब्दों को इस्तेमाल करने से, शब्दों को इस्तेमाल करके प्रार्थना करने से काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, फॉर वी डू नॉट नो व्हाट वी ऑट टू प्रे, हमें पता है, हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं शब्दों के जरिए, वो अन्य भाषा के जरिए वो स्वर्गीय पिता के सामने वो प्रार्थना को रखते हैं। क्योंकि देर आर लॉट ऑफ इमोशंस, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नेवर पुट इनटू वर्ड्स, ऐसी काफी बातें हैं जो हम शायद कभी शब्दों में नहीं ला सकते। एक माँ जब बच्चे को पैदा कर रही होती है, उसी समय एक ही क्षण में उसे दर्द भी हो रहा होता है, उसी क्षण में वो रो भी रही होती है, उसी क्षण में वो हंस भी रही होती है और वो खुश भी होती है। उस भावना को, उस इमोशन को समझना या फिर एक शब्द में डालना कभी मुमकिन नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा को सही से पता है किस तरह से शब्दों को स्वर्गीय पिता के सामने रखें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैंने ये एग्जांपल दिया, ऐसे काफी ऐसे क्षण हैं हमारे दर्द को शायद हम सही रीति से बयान कर ना कर पाए, तो पवित्र आत्मा हमारे दर्द बयान करने में मदद करते हैं। हमारे मुश्किलों को बयान हम शायद ठीक से नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा वो बयान करते हैं। हमारी कमजोरियों को हम ठीक से बयान नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा उसको बयान करते हैं, राइट। एंड तीसरा वर्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 10 जो लिखता है, फॉर द स्पिरिट सर्चेस एवरीथिंग इवन द डेप्थ ऑफ गॉड। हम लोग कुछ चीजों को सीखेंगे आज, इट्स गोना बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, कुछ ही चीजों को सीखेंगे। पवित्र आत्मा में बात करने से हमें किस तरह से हमें फायदा होता है, हम लोग ये स्पेसिफिकली आज जानेंगे। हमारे काफी चीजों में हमें एग्जैक्टली जैसे कि हम लोगों ने अभी वचन में पढ़ा, हमें पता भी नहीं रहता कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए।
तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। नाउ शब्दों का बयान हम लोग बहुत हल्की रीति से लेते हैं, लेकिन बाइबल में प्रभु ने बहुत बार बहुत स्पेसिफिक रीति से बोला है कि अपने जुबान पे लगाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो भी मुंह से बोलते हैं, उनमें जान होती है। नो मैटर वॉट इट इज, चाहे आप कुछ भी बोले, अच्छा बोले या बुरा बोले, उनमें जान होती है और उनमें वो क्षमता होती है कि वो आपकी जिंदगी के ऊपर इंपैक्ट कर सके। ऐसे काफी बार हम लोग रास्ते में ट्रैवल कर रहे होते हैं शायद, या फिर गाड़ी को थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट करके हम लोगों ने निकाल दिया, पीछे से शायद किसी ने 5 गाली दे दिया होगा या फिर कुछ बुरा बोल दिया होगा और हमें पता भी नहीं चला होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक चीजें होती है, पवित्र आत्मा उन चीजों को काटते हैं, उन चीजों को तोड़ते हैं हमारे जिंदगी में से। पेरेंट्स, पिता माता बहुत जल्दी ऐसी चीजों को बोल देते हैं, सोचते नहीं हैं, सोचने से पहले वो लोग नकारात्मक चीजें, जैसे कि अपने बच्चे को बोल देना कि तू नालायक है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये कहने के लिए कह देते हैं। पर इन शब्दों में जान होती है, ये बच्चे के ऊपर बहुत मजबूत रीति से एक पकड़ बनाती है। वचन में लिखा गया है, जो चीज जो दिखता नहीं है वो जो दिखता है उससे भी ज्यादा सच है। ये जो शब्द बोल दिया जाता है बच्चों के ऊपर, वो उनकी जिंदगी पे एक छाया की तरह बने रहता है, जो उनकी जिंदगी पे बहुत गहरी रीति से असर करता है। ये सिर्फ बच्चों के ऊपर लागू नहीं है, यह बड़ों के ऊपर भी लागू है। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहां पे कोई ना कोई हमें शायद गलत बोल देता है, या फिर हमारे मन में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो शायद सही ना हो। पवित्र आत्मा उन सारी नकारात्मक चीजों को तोड़ती है हमारे जिंदगी में से, ठीक है। उसी तरह से हम लोगों की जिंदगी में, कुछ लोगों की जिंदगी में इनसिक्योरिटी एक है, लो सेल्फ एस्टीम, अपनी अपनी नजर में खुद की इज्जत बहुत कम है काफी लोगों की। कुछ लोगों का ईगो बहुत ज्यादा है, अकड़ जो बोलते हैं बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हमें इन चीजों के बारे में शायद सही तरीके से प्रार्थना करना नहीं आता। तो जब हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं या फिर पवित्र आत्मा के जरिए प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर की सारी चीजों को लेके पिता के सामने जाती है, जाते हैं। वो जानते हैं। हम लोग सोचते होंगे सिर्फ मुझे गुस्सा आता है, जबकि पवित्र आत्मा जानती है कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये उसका घमंड भी है जिसके वजह से उसे गुस्सा आता है। सो पवित्र आत्मा हमारे गहरी हमारी गहराइयों से जो चीजों को हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए, उन चीजों को प्रभु के सामने लाके रखती है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, इट डील्स विद थिंग्स इन आवर लाइव्स, चाहे वो हमारे करियर को लेके हो, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ को लेके हो, हमारे फाइनेंसेस को लेके हो। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के ऊपर उन चीजों का नियंत्रण वापस हमारे हाथ में देते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करते हैं, तो उन बंधनों को, उन बेड़ियों को पवित्र आत्मा तोड़ती है, ठीक है। हमारे फाइनेंसेस, हमारे आसपास के एटमोस्फियर को पवित्र आत्मा फिर बदलना चालू करते हैं। उसी जगह पे जब हम ये वर्स देखते हैं कि ही अटर्स मिस्ट्रीज इन द स्पिरिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ऊपर जो आशीष है, वो जो हमारी आशीषें हैं वो हमें मिले। ये हर एक को चाहिए कि भाई मेरे जिंदगी के, मेरे हिस्से के जो आशीष हैं, मेरे हिस्से के जो ब्लेसिंग्स हैं, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मेरे हिस्से के, मेरे जिंदगी के हिस्से का ब्लेसिंग क्या है मुझे शायद नहीं पता, पर पवित्र आत्मा को वो पता है। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी के ऊपर प्रोफेसाई करना चालू करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के ऊपर नबुवक्ता करना चालू करते हैं। हमारे जिंदगी के ऊपर जो चीजों को हमें पाना है, उन चीजों के बारे में प्रार्थना करना चालू करते हैं।
सो द मोमेंट वी से दोज थिंग्स, हम जिस वो क्षण जब हम उन चीजों को, उन नबोवक्ताओं को या फिर वो आशीषों को जब हम बोल देते हैं, वो उन आशीषों में जान भरना चालू हो जाता है और वो हमारी जिंदगी में फिर दिखना चालू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज ये सीख रहे हैं हम कि पवित्र आत्मा की मदद से जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ना ही सिर्फ हमारी जिंदगी के गुप्त बातें पवित्र आत्मा निकाल के स्वर्गीय पिता के सामने रखते हैं, सिर्फ उतना नहीं, पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी का सिर्फ नकारात्मक चीजों को सिर्फ तोड़ते हैं उतना नहीं, पर हमारे जिंदगी के ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीष भी हैं, पवित्र आत्मा उन चीजों को लाते भी हैं, उन आशीषों को हमारी जिंदगी में भी लाते हैं। और साथ ही साथ इन सब के बीच में पवित्र आत्मा हमें आत्मिक रीति में बढ़ते हुए मदद करते हैं। फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सबको प्रभु आशीषित करे। हम जैसे जैसे हर एक दिन के साथ प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं और गहरी रीति में हम प्रभु में बढ़ेंगे और अन्य भाषा में प्रार्थना करना हम लोग बंद नहीं करेंगे, ताकि जैसे हम बढ़ रहे हैं प्रभु में, हम और गहरी रीति में बढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी में आशीषों का भी आना उतना ही जरूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आप सबको आशीषित रखे और पवित्र आत्मा में आप और बढ़िए और प्रभु में आप और गहरी रीति से बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।